लखनऊ से बड़ी खबर, ध्येय आईएएस एकेडमी की लिफ्ट में छात्र छात्रा के फंसने का वीडियो वायरल हुआ है। चौथी और पांचवी मंजिल के बीच लिफ्ट फंसी हुई थी। करीब आधे घंटे तक लिफ्ट फंसी रही और काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट को खुलवाया गया। गोमती नगर के हुसरिया चौराहे के पास ये ध्येय एकेडमी है और इसी एकेडमी में ये मामला सामने आया। काफी मशक्कत करने के बाद लिफ्ट खुली, काफी देर तक छात्र फंसे रहे। तो लखनऊ की ध्येय एकेडमी का ये मामला आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आईएएस एकेडमी है, जहां पर तमाम जो छात्र है वो पहुंचते हैं, लेकिन चौथी पांचवी मंजिल के बीच ये लिफ्ट अचानक फंस गई और काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट खुली और काफी देर तक छात्र फंसे रहे। ऋषभमणि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, लिफ्ट में काफी देर छात्र फंसे गए रहे बताया जा रहा है और ये जो मामला सामने आया है, पहले भी कई मामले ऐसे हम देख चुके हैं ऋषभमणि, लेकिन यहाँ पर क्या वजह बताई गई मैनेजमेंट की ओर से? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, चूंकि उसमें एक महिला और एक पुरुष दोनों जो अभ्यर्थी थे तैयारी कर रहे थे और एक महिला की शिकायत पर उनके परिजन वहां पर पहुंचे थे, उसने खुद ही वीडियो बनाकर ये वायरल किया है, पुलिस में भी शिकायत की है, मौके पर पुलिस भी पहुंची है और 8:15 से कल रात को और 8:45 तक करीब आधे घंटे तक लिफ्ट वहां पर फंसी रही। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, एक टेक्नीशियन मौके पर पहुंचा था, उसने काफी मशक्कत के बाद उस लिफ्ट को खोलने में कामयाब हो पाया, दोनों छात्र छात्रा तब बाहर आ पाए। हालांकि अभी तक संस्थान की ओर से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है सामने, लेकिन जो भी अव्यवस्थाएं हैं वहां पर, जो दिक्कतें हैं, उसको लेकर कुछ छात्र छात्राओं का आक्रोश जरूर देखने को मिला है। चूंकि नई दिल्ली की घटना इस वक्त चर्चा में है, लिहाजा इस तरह के जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, उसको लेकर के चर्चा जरूर आम हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लखनऊ में गोमती नगर में ताज होटल के पास बारिश के दौरान हुड़दंग मामले में चार और लोगों को पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग है। आरोपी मोहम्मद दाऊद, अफसान और अली हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी की भी पहचान हो गई है। मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। सीतापुर में गैस सिलेंडर लीक होने से पास में रखे पेट्रोल की बोतल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग बुझाते वक्त दंपत्ति समेत परिवार के चार सदस्य झुलस गए। पति पत्नी की हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर उन्हें रेफर किया गया। ये मामला खैराबाद थाना क्षेत्र के दहेलिया निरंजन का है। अमरोहा में एक कार ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। हादसे में पति पत्नी की जान चली गई है, जबकि इस हादसे में 5 साल का मासूम भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामला गजरौला इलाके के नेशनल हाईवे का बताया गया। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर गोली से घायल कर्मचारी को कंधे पर लादकर सीढ़ियों से नीचे लाने का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि कल आलमबाग बस अड्डे की तीसरी मंजिल पर हादसा हुआ था। गार्ड की दुनाली बंदूक से अचानक गोली लगने से यह घटना हुई थी। लिफ्ट बंद होने के चलते घायल को कंधे पर लादकर 3 मंजिल नीचे उतारा गया था।
डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश पर निशाना सामने आया है। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर पोस्ट के जरिए हमला बोला गया है। पीडीए बोल डीएनए की बात कर रहे करके गुमराह किया जा रहा है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। कोर्ट की बात कर गुमराह कर रहे हैं, अखिलेश को वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है, ये भी केशव ने कहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, ये सभी बातें केशव प्रसाद मौर्य की ओर से अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कही गई है।